आ गए सभी, करें क्लास शुरू। तो चलो, जो आज का टॉपिक है अपना, टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। जिन बच्चों ने कर लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो बच्चे इसको ध्यान से सीख लेना। पूरे मैथ के अंदर इसकी जरूरत रहेगी। एक क्वेश्चन तो बनता है इसका 100% जो पर्टिकुलर चैप्टर रहता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। और दूसरा जो बाकी चैप्टर है ना, वो भी सारे के सारे आपके एलसीएम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर करना है तो ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है ना वो एलसीएम वाले चैप्टर के ऊपर रहेगा। अगर बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर करना है तो वो पूरा चैप्टर है वो इसके ऊपर रहेगा। बाकी जितने भी चैप्टर में करते हैं ना काम, तो उन सभी में हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है। कहीं पे काटना है, गुना करना है, भाग करना है, तो उधर जहां पे एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है वो इस चीज को ध्यान से सीख लेना, इसके बारे में बात करेंगे तो उसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये एलसीएम और एचसीएफ है क्या। जो आज का अपना क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 3 को हम शुरू कर रहे हैं। दो चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, रिवीजन कर लिया जिनका, एक नंबर सिस्टम कर लिया है और दूसरा कौन सा किया है, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, ठीक है। ये दो चैप्टर कर लिए हैं, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। आज चैप्टर नंबर 3 है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुतम समापवर्तक। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ये देखिए एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोवेस्ट कॉमन भी बोल देते हैं। लीस्ट का मतलब क्या होता है भाई, अब तुम्हें क्वेश्चन में ये नहीं बोलेंगे कि इसका एलसीएम निकाल दो, वो बोल देगा छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर बोल देगा। तो जैसे ही छोटी से छोटी संख्या बोले ना, तो पता लग जाना चाहिए इसका हमें क्या निकालना है। और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। तो जैसे ये बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो उस टाइम पे ध्यान में आ जाए कि हमें इसका क्या निकालना है। बहुत सिंपल सा एक सब्जेक्ट जो मैथ है उसके अंदर एक चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है पूरे मैथ्स के लिए, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल आसान तरीके से इसको इजी ट्रिक बना के, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सब बच्चे ध्यान से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए कि अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लघुत्तम है, तो इसको क्या बोलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में प्रत्येक से कंप्लीट भाग हो जाए। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन ऑल नंबर्स, जो दिए गए सभी नंबर से पूरा पूरा भाग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। और एचसीएफ में क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। एलसीएम में भाग हो जाए पूरा पूरा, और एचसीएफ में भाग कर दे। पहचान क्या है, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम हो जाएगा, और बड़ी से बड़ी संख्या दिख जाए तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब तुम्हें बताता हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे ये एक नंबर दिख गया तुम्हें 6, 10 और 15, और ये बोल दिया कि इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है। क्या बोल दिया, 6, 10, 15 इसका एलसीएम निकालना है। और ये क्वेश्चन में कैसे आता है, राम किसी काम को 6 दिन में करता है, श्याम 10 दिन में करता है, मोहन 15 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसके बहुत सारे मेथड हैं, जो सबसे आसान मेथड है, सबसे इजी मेथड है ना, उससे हम इसको सोल्व करेंगे। ये 6, 10 और 15 इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट देखेंगे 5 से हो रहा है 8 से। अगर लिस्ट एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है, और सबसे छोटे नंबर में भी कोशिश करनी है जो प्राइम नंबर होते हैं ना उनसे इसको शुरू करना है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। क्या होता है भाई, अभाज्य संख्या, शुरू करो इसको 2 से जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 3, 10 को करेंगे तो 5, क्या 15 आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में अब 2 में कोई आएगा, नहीं आएगा, तो किस पे चले जाएंगे, 3 से कितना हो जाएगा 1, 3 से 5 और कितना हो जाएगा 5।
अब फिर पांच से करेंगे कितना आ जाएगा, एक यहां पे भी एक और सब जगह पे एक आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, इनकी गुना कर दो, टू थ्री जा और सिक्स फाइव जा क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। अब यहां पे बात को समझना, सारे जो बात बता रहा हूं उसको अच्छे से देखना, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम हो सकता है 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये इनफाइनाइट मतलब कभी खत्म नहीं हो, इसके इतने सारे एलसीएम हो जाते हैं, लेकिन हम इन सबको नहीं ले सकते हैं। लेना कौन सा है हमें, एलसीएम का मतलब लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है तो हमारा एलसीएम क्या होगा। समझ में आई बात। अब देखो इसका तुम्हें एक आसान तरीका और बताता हूं। अब ये देखिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 30 आ रहा है, ये 30 ही क्यों आया, सबसे पहले हमने 6 का किया। अब ये 6 की टेबल पढ़िए, 6 की टेबल में 6 दुनी 12 होगा, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पांच 30, 36, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ये 10 की टेबल पढ़ी हमने, 10 में कितना हो जाएगा, 20, 30, 40, 50, ऐसे ये भी कंटिन्यू चलता जाएगा। फिर 15 की टेबल पढ़ी तो 15 में क्या हो जाएगा, 30, 45 हो जाएगा, 60, ये भी कंटिन्यू चलता जाएगा। अब ये देखिए यहां पे क्या लिख रखा है, एलसीएम। एल का मतलब क्या है, लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, और सी का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है ये तीन नंबर है ना, तो तीनों में होना चाहिए। अब ये देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, क्या 12 इनमें आ रखा है, 18 इनमें आ रखा है, 24 इसमें आ रखा है, इसमें 30 आ रखा है। अब ये देखिए 30 यहां पे भी है, यहां पे भी है, और यहां पे भी। जो सबसे छोटा नंबर तीनों में कॉमन हो गया वो क्या बन गया, अपना एलसीएम बन गया। समझ में आई बात। अब दूसरा तरीका, ये तो हो गया भाई एक सब्जेक्टिव हमें करना है, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो इस तरीके से निकाल सकता है। पेपर में तुम्हें ऐसे नहीं करना है, पेपर में जैसे ये दिख गया 6, 10 और 15, मान लो ये क्वेश्चन में है, इसका हमें डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। तुम्हें डायरेक्ट सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, उस 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 15, 30, 15, 45, 60, ऐसे। अब ये देखिए ये 6 से डिवाइड होता है क्या, ये 10 से डिवाइड होता है क्या, 15 से भी डिवाइड होगा, ये आ गया एलसीएम अपना 30। समझ में आई बात। तुम्हें ऐसे सीखना है पेपर में, मेनली जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है उसमें नंबर आएंगे, राम काम को 5 दिन में करता है, श्याम 10 दिन में करता है, 5 और 10 का एलसीएम निकालना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम निकालना आएगा, 20 और 30 का एलसीएम निकालना, बहुत छोटे छोटे नंबर आएंगे, तो तुम्हें इस तरीके से इसको सोल्व कर देना है। क्लियर है सबको, जो बेसिक बातें बताई है वो सबको क्लियर है। साथ साथ में एचसीएफ का डिस्कस करेंगे। ये देखिए एचसीएफ, अब एचसीएफ इसी नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है, किस नंबर का, 6, 10 और 15। अब इसी नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालना है, 6, 10 और 15। एलसीएम में हमने क्या किया, 6 और 10 दो के पहाड़े में आते थे, हमने डिवाइड कर दिया। अब ये सारे नंबर अगर एक पहाड़े में आते हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये सारे नंबर एक पहाड़े में नहीं आते हैं तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको बात। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अभी पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए आराम से देख के, सारे के सारे बच्चे ट्राई करो और इजिली इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ये देखिए अभी ये जैसे ये क्वेश्चन में आएगा, राम काम को 32 दिन में करता है, श्याम 64 दिन में करता है और मोहन 128 दिन में करता है, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो इस टाइप से आ जाएगा। अब यहां पे नॉर्मल एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 32, 64 और 128। अब दूसरी बात और बता रहा हूं उसको भी माइंड में सेट कर लेना, ध्यान रखना। अब इन तीनों में से बड़ा नंबर क्या है, अब 128 को देखना तुम, क्या इस नंबर से डिवाइड होता है, क्या इस नंबर से डिवाइड होता है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका सोल्व करके देखोगे ना तो भी 128 ही आएगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, यहां पे
और यहां पे फिर दो से करो क्या आएगा आठ, यहां पे और यहां पे फिर दो पे करो चार आठ सोलह होगा, फिर दो पे करो कितना होगा दो चार और फिर दो पे क्या कितना हो जाएगा फिर दो पे करो कितना हो जाएगा और फिर दो पे कर दिया तो क्या आ जाएगा दो की दो बार गुना करो चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस दुनी और चौसठ दुनी क्या हो जाएगा। तो हमें इतना ये करना है सीखने के लिए, और जब हम सीख गए हैं तो उसके बाद में डायरेक्ट हमें दिख गया बड़ा नंबर है और दिए गए सभी नंबर से पूरा पूरा भाग होता है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब देखिए अगर इसी नंबर का बोल देता कि इसका एचसीएफ क्या होगा, अगर इसी नंबर का बोल दे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, उस टाइम पे देखना है सबसे छोटा नंबर, उस टाइम पे क्या देखना है। अब छोटा नंबर देखो क्या चौसठ को डिवाइड करता है, क्या 128 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। अब देखो ये कैसे करते हैं 32, 64 और 128, सबसे पहले क्या दो की टेबल में तीनों नंबर आ रहे हैं, दो से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 16, 32 और क्या दो की टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं कितना हो जाएगा यहां पे, फिर दो की टेबल में आ रहे हैं सारे चार आठ और कितना हो जाएगा, फिर दो की टेबल में आ रहे हैं सारे दो चार और आठ, क्या फिर दो की टेबल में आएंगे। अब ये बताओ क्या ये दो की टेबल में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। एक को देख के कभी भी नहीं सोचना है कि आ जाएगा, दो और दो की गुना करो चार और दो की गुना आठ और दो की गुना सोलह और दो की गुना आ गया ना 32, इसका पता लग गया एलसीएम और एचसीएफ दोनों का। चलो फिर बताओ ये देख के इसका ध्यान से और आंसर बताइए क्या हो जाएगा। शाबाश, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को देख के इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत काम की चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सारे मैथ के अंदर तुम्हारे काम आएगा ये, एलसीएम निकालना पड़ेगा तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन में। बताइए आंसर सी हो जाएगा, सबका आंसर सी होगा 189 हो जाएगा। ये देखिए यहां पे 27 और 63 एलसीएम निकालना है, क्या ये दो पे डिवाइड होता है क्या, उसके बाद में किस पे करेंगे तीन पे कितना होगा और ये कितना होगा, फिर से तीन पे कर सकते हैं ये कितना होगा और ये। अब ये बताओ क्या तीन और सात किसी एक पहाड़े में आएंगे, आएंगे क्या, तो आगे पूरा करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट गुना करो तीन और तीन की गुना नौ और तीन की गुना 27 और 27 की किससे गुना कर दो 7, 7, 49 कैरी कितना होगा 7, 2, 14 और 4 कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 189 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है शर्माना नहीं है, बिल्कुल पूछ लेना है कि सर यहां से बता दो समझ में नहीं आया। क्लियर है बात सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के और इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आगे तो हमें नंबर छोड़ना नहीं है, ये 100% हमें ये एक नंबर लेना है पक्का। बताइए क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से सारे बच्चे 36, 56, 105, 108 का एलसीएम क्या हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ज्यादा बड़ा दिया है इसलिए करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा चार ऑप्शन में से। जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, बताइए क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ही तुक्का मारे हो या आ गया है? चलो बोर्ड पे देखो, फास्ट कैलकुलेशन करो सारे के सारे बच्चे। ये हो जाएगा 36, ये 56, 105 और 108। सबसे पहले दो पे डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 28, ये कितना आएगा और ये कितना आ जाएगा। अब ये देखिए कई नए बच्चे हैं जो फ्रेशर बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं और क्लासेस देख रहे हैं, दसवीं और बारहवीं पढ़ के आए हैं, वो एक अलग मेथड था और यहां पे कंपिटेटिव एग्जाम है उसका एक अलग कहानी है, तो उसको ये लग रहा होगा ये बोल रहे हैं यहां पे क्या आएगा यहां पे क्या आएगा यहां पे क्या आएगा कहां से आएगा। इसका मतलब क्या है 36 को हमने किससे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा
56 को किससे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 105 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में यहां पे नहीं करना है। अब 108 को करेंगे तो कितना आएगा, तो पता लग गया ये नंबर कहां से आ रहे हैं। अब इसके बाद में फिर 2 पे कर देंगे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। अब फिर 2 से कर सकते हैं एक बार, 2 से करेंगे एक बार तो कितना हो जाएगा, 9, 7, 105 और 27। अब किस पे करेंगे, 3 पे, कितना हो जाएगा, 3, 7, 35 और कितना होगा, 9। फिर 3 पे कर देंगे एक बार, 3 पे कितना होगा, 1, 7, 35 और कितना होगा, 3। उसके बाद में फिर से 3 पे जा रहा है, 1, 7, 35 और क्या होगा, 1। उसके बाद में किस पे जाएगा, 1, 1, 5 और 1। अब यहां पे 5 आ जाएगा आगे, है ना। गुना करो, 2 और 2 की गुना, 4 दुनी 8 तिया 24 कितना होगा, 72। 3 और 7 की गुना, 21 की और 5 की गुना कितनी होती है, 105। ये गुना कर दो 105 के साथ, 2 5 10 हो जाएगा, 7 5 35 और 7 होगा ये 0 6 5 और 7, 7560 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, बड़ा क्वेश्चन दिख गया तो ऐसे नहीं है कि गलत हो जाएगा, सारे स्टेप इजीली ध्यान से अगर कर दिए तो 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए अभी क्या होगा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर बताओ क्या हो जाएगा। 60 होगा। ये बोल रहा है यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता है। अब जो बात बता रहा हूं वो सुन लेना, ये जैसे एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होगा भाई, समझ में आ गई बात। जो एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड। और ये बता रहा है कि एचसीएफ कितना है, 8। एचसीएफ कितना है, 8। और ये बोल रहा है उसका एलसीएम कौन सा होगा, तो ये देखिए 8 तिया 24 हो सकता है, ये तो 8 6 48 ये भी हो सकता है, 8 7 56 ये भी हो सकता है। क्या 8 के पारे में 60 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या, 60 नहीं हो सकता है। और ध्यान देना यहां पे कई बार पूछ लेता है कौन सा हो सकता है और कई बार पूछ लेता है नहीं हो सकता है, तो इस चीज पे ध्यान देना। क्लियर है सबको, एलसीएम किससे डिवाइड होता है, एचसीएफ से, याद रखना है ये बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा थोड़ा लेवल है ना उसको बढ़ा के चलेंगे, ये नहीं है कि सारे सेम नंबर देते जाए उनका एलसीएम निकाले पूरे चैप्टर में, जिस जिस टाइप के एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे करेंगे हम। 9 की पावर 12 हो जाएगा पक्का। ये देखिए यहां पे ये क्वेश्चन दे रखा है, 9, 9 पावर 2, 9 पावर 4, 9 पावर 12 और 9 पावर 8। इसका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है भाई, क्या बताना है, एलसीएम। अब ये बात जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना, सेम नंबर दे रखे हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वो क्या होता है, और जो सबसे छोटी पावर होती है ना वो क्या होता है, रह जाएगी याद। अगर सेम नंबर है सारे, जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या बनेगी और जो सबसे छोटी पावर है वो क्या बनेगी, क्लियर है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए 6 की पावर -1, 6 की पावर -2, 6 पावर -4, 6 पावर -12 और 6 पावर -8। एलसीएम में हमें क्या बताना है, सारे नंबर सेम है, 6 दे रखा है ना, सबसे बड़ी पावर बतानी है, क्या बतानी है। अब कई बच्चे मिस्टेक कर देंगे कि सबसे बड़ी पावर तो ये है, ये सबसे बड़ी नहीं है, ये सबसे छोटी पावर है ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 पावर -1, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, याद रहेगी बात, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए, जो सबसे ज्यादा आज तक आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन है, वो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है ये,
सबसे ज्यादा आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या ये और दूसरी संख्या क्या होगी। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया लास्ट टाइम का तो बहुत सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक तरीका बताएंगे 264 हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे सबका ध्यान बोर्ड पे, सुन लो जो बात बता रहा हूं उसको और समझ लो। ये बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है और एक संख्या कितनी है, हमें क्या बताना है। मतलब चार चीजें हैं इसमें, कितनी चार। आपको ये फार्मूला नोट कर लेना है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना में एचसीएफ। यहां पे चार क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, किसी क्वेश्चन में पहला नंबर, किसी में दूसरा नंबर, किसी में एलसीएम और किसी में एचसीएफ। पहली और दूसरी संख्या की गुना एलसीएम और एचसीएफ की गुना के बराबर होती है, यह बात याद रखना ठीक है। पहली और दूसरी का दोनों का गुणनफल देके पूछ सकता है या सारी चीजें अलग अलग देके भी पूछ सकता है। अब यहां पे पहली संख्या इसने क्या बताया 297, दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है, निकालनी है ना। एलसीएम कितना दिया है 2376 और एचसीएफ कितना दिया है, क्लियर है इतना सबको। अब यहां से ये किसमें है, गुना में, तो इधर आके किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ठीक है। अब काट दो, किस पे कटेगा, नौ पे काट रहा है। ये देखिए 297 को नौ से करोगे कहां काटेगा, नौ पे 33 काटेगा नौ पे, ओके ये काट देगा इसको किस पे, नौ पे काट देगा। अब ये नौ से काटना है, नौ दुनिया 18 हो जाएगा, पांच बचेगा, नौ छिके 54 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 6 आ जाएगा तो 9 चौके 36। दूसरी संख्या क्या आ गई है 264, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 264, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, इसने बता दिया एलसीएम और क्या बता दिया एचसीएफ, एक संख्या बता दी, हमें क्या बताना था, दूसरी संख्या बतानी थी, क्या बताना था, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, अभी एक बार तुम ट्राई करो उसके बाद में मैं बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से देख के स्टेटमेंट को बताओ क्या आंसर हो जाएगा, सब बात सोल्व करो सारे बच्चे, टाइम मिलेगा तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए आधा मिनट एक मिनट, और जल्दी से इसका आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा, ये यस, ये इंटू है, सब जगह पे ये गुना का निशान है ठीक है, गुना का निशान दे रखा है, 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 3 गुना में 7 की पावर 2, बताओ जल्दी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट करते चलिए साथ साथ में और इनका आंसर निकालने की कोशिश करिए ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा से वीडियो को देख लेना है तो समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। बोर्ड पे ध्यान दे लो भाई, अभी सारे बच्चे एक क्वेश्चन समझ लो, आगे जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व करना। तू सबसे पहली बात तो तुम्हें यह समझनी है कि यहां पे ये एक नंबर है, ये समझ में आ गई बात, उसके बाद में ये एक नंबर है यहां पे और उसके बाद में यहां पे एक नंबर ये है, बताना क्या है। एचसीएम में मतलब सारे नंबर कॉमन होने चाहिए। अब यहां पे दो दिया है, यहां पे भी दो दिया है और यहां पे भी। अब हमने एचसीएफ पहले वाले में किया था, बड़ी पावर लेते हैं कि छोटी, छोटी पावर लेते हैं तो इसमें सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 पहला नंबर मिल गया। उसके बाद में देखिए 5 इसमें है, इसमें भी है 5 और यहां पे भी है, सबसे छोटा नंबर क्या है 5 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 7 यहां पे भी है और यहां पे भी है और यहां पे भी है, सबसे छोटी पावर क्या है 7 की पावर 2। अब ये देखिए जो 3 नंबर है ना, ये इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो वो सब में होना जरूरी है, क्लियर है बात। 2 की पावर 2 क्या होता है, यहां पे 5 और 7 की पावर 49। 4 की और 5 की गुना करो, 20 की और 49 की गुना कर दो, 2 9 जाए 18 कैरी कितना होगा 1, 2 4 जाए 8 9 करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
इसमें सबसे पहले देखना है क्या लेना है। HCF का जैसे ही नाम आ गया तो जो कॉमन नंबर है वही लेने हैं, ये नहीं है कि सारे नंबर ले लेंगे, ठीक है। और कॉमन नंबर में जो सेम नंबर उनकी छोटी पावर लेनी है, और ये क्या आया है अपना HCF। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हमें LCM निकालना होता तो दो की पावर सबसे बड़ी क्या है, दो की पावर तीन होता, पांच की पावर सबसे बड़ी क्या है, पांच की पावर तीन होता, सात की पावर सबसे बड़ी क्या है, सात की पावर चार, ये तीनों नंबर तो हो गए, सात में क्या बचा हुआ है, और तीन की पावर सबसे बड़ी क्या है, तो LCM ये होता है इसका। समझ में आई बात, LCM में सारे नंबर लेने और बड़ी पावर लेनी है, HCF में कॉमन नंबर लेना, और याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता आने वाले एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए शाबाश, क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम से। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे पांच छह आठ नौ और बारह से भाग दें तो दो शेष बचे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं पे ये नहीं लिखेंगे कि इसमें एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा, गुड शाबाश। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, देखो अब सबसे पहले तुम्हें पहचान क्या करनी है, क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है भाई, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या निकालना है, किसका एलसीएम निकालेंगे, पांच छह आठ नौ और बारह का, सबसे पहले किस पे डिवाइड करेंगे, दो पे क्या आएगा, पांच कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा यहां पे, उसके बाद में चार नौ और, क्लियर है सबको, एक बार फिर दो पे डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, पांच तीन दो नौ तीन, अब किस पे कर देंगे, तीन पे कर दो, क्या आ जाएगा, पांच एक दो तीन एक आ जाएगा। अब ये देखो क्या दो तीन पांच किसी एक पारे में आएंगे, तो आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से इधर ही खत्म करेंगे क्वेश्चन को, दो और दो की गुना चार और तीन की गुना बारह और पांच की गुना चार दुनी 120 और 120 की और तीन की गुना क्या होती है। अब कई बच्चे जल्दबाजी में गलती करेंगे, 360 को टिक कर देंगे, है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये 360 क्या, इनका एलसीएम, ये ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से पूरा पूरा भाग होता है, हमें पूरा पूरा भाग नहीं करना है, हमें क्या रखना है, दो शेष बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसमें दो प्लस कर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब ये 360 को इनमें से किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करोगे ना तो कितना शेष बचेगा, दो बचेगा, करके दिखाएं, एक करके बताएं, एक बताओ कौन से नंबर से डिवाइड करना है, 362 को किससे डिवाइड करें, नौ से डिवाइड कर दें, ये देखो 362 नौ से डिवाइड कर दिया, नौ चौके 36 क्या बच गया, दो बच गया, है ना, छह से करोगे 36 दो बचेगा, पांच से करोगे ये देखो 362 और पांच से डिवाइड करेंगे, पांच साथ 35 कितना बचेगा, आगे क्या आएगा, दो पांच दूनी 10 क्या बचेगा, समझ में आ गई बात, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, अब ये देखिए वो तुम्हें बताया था वही सेम क्वेश्चन आ गया, चाहो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का क्या बताया है और उनका क्या बताया है, जो हमने यहां पे लिखा था ना, पहला नंबर और दूसरा नंबर जो लिखा था बराबर में एलसीएम और एचसीएफ लिखा था, अब इसने क्या किया, अलग अलग संख्या नहीं बताई, समझ में आई बात, अलग अलग संख्या नहीं बताई, डायरेक्ट इन दोनों नंबर का क्या कर दिया, गुना कर दिया, अब गुना कितना आ गया, और एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना, और एचसीएफ कितना दिया है, अब ये दो इधर गुना में तो इधर आके किस में हो जाएगा, और भाग में काटेंगे तो किस पे काट देगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा, बताओ समझ में आया कि नहीं, एग्जाम में आ गया तो फोड़ दोगे ना पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, धीरे धीरे सारे स्टेप क्लियर करवा देंगे, बस तुम जो बता रहा हूं उसको माइंड में सेट करते चलना, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको एग्जाम में, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा।
42 आ जाएगा। चलिए सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दे लो भाई, जो हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो क्या थे, नॉर्मल नंबर थे। अभी इसको क्या बोलते हैं, ये जैसे ये है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें इनका एलसीएम या एचसीएफ जो भी पूछे वो निकालना, समझ में आई बात। अभी जो बात बता रहा हूं उसको नोट कर लेना माइंड में और उसको याद रखना हमेशा। हमें बताना है किसका, 3 अपॉन में और 1 अपॉन में और 7 अपॉन में। अब ये बताओ बताना क्या है, एलसीएम बताना है। हमसे क्या पूछा गया, तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालोगे और नीचे वाले नंबर का क्या निकालोगे। जो चीज हमसे पूछी जाएगी फ्रैक्शन में पहले वो निकालना है। अगर यहां पे एलसीएम की जगह पे एचसीएफ पूछता ना तो पहले क्या निकालते, एचसीएफ। अब ये देखिए 2, 3 और 7 क्या किसी एक पहाड़े में आते हैं, नहीं आते। डायरेक्ट गुणा कर दो, 2 और 3 की गुना 6 और 7 की गुना। अब ये देखिए ऊपर वाले नंबर का क्या निकाल दिया, नीचे वाले नंबर का क्या निकालना है। अब ये बताओ क्या 3, 4, 9 किसी एक पहाड़े में आएंगे तो क्या हो जाएगा, और 42/1 का मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आसान है ना, देख के डरोगे नहीं, गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर क्या हो जाएगा। अभी इसका क्या बताना है, एचसीएफ। ध्यान से देख के क्वेश्चन को और आंसर बताना है। 105 सारे के सारे बोर्ड पे देख लो, 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7। अब ये बताओ क्या निकालना है, तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का क्या निकालेंगे। क्लियर है ये बात सबको, ऊपर वाले नंबर का एचसीएम, नीचे वाले नंबर का एलसीएम। 2, 4 और 5 क्या किसी एक पहाड़े में आएंगे। एक पहाड़े में आने का मतलब क्या है, जब भी कभी कंटिन्यू नंबर मिल जाते हैं, जैसे ये नंबर मिल गए 4 और 5, पहले वाले में था 3 और 4, 9 और 10, अगर कंटिन्यू नंबर मिलते हैं तो वो एक टेबल में नहीं आते हैं, और नहीं आते तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 7, 3, 5 और 7 कॉमन, इनमें से क्या निकल जाएगा, 2 7 तो एक कॉमन निकलेगा, और 7, 3, 5 किसी एक पहाड़े में नहीं आएंगे, तो डायरेक्ट गुना कर दो, 7 और 3 की गुना 21 और 5 की गुना क्या हो जाएगी, 105 अपॉन में क्या आ जाएगा। ये बन गया भाई इसका करेक्ट आंसर, 1 अपॉन में 105। समझ में आया, किसी बच्चे को डाउट फ्रैक्शन में, हो जाएगा सोल्व। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, थोड़ा सा लेवल अप करते चलेंगे। नॉर्मल नंबर का कर लिया, पावर वाले नंबर का कर लिया, फ्रैक्शन का कर लिया, अभी मिक्स क्वेश्चन उनको लेके चलेंगे। बताइए जल्दी क्या आंसर हो जाएगा, शाबाश, 36 हो जाएगा। सारे बच्चे ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए, ऐसे बैठे नहीं रहना है। 2 संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है, एलसीएम 180 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी ये बताना है। 45 हो जाएगा, 36, 45, कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा, डरना नहीं है, आराम से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। 36। चलिए एक क्वेश्चन समझ लो, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसको तुम लोग सोल्व करना अपने आप से। ये देखिए ये बोल रहा है 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5 है भाई। अब ये बताओ क्या 4 और 5 किसी एक टेबल में आते हैं, इसका मतलब इनका एलसीएम क्या बनेगा। समझ में आई क्या बात, एलसीएम क्या बनेगा, और 20 इसने बताया एलसीएम किसके बराबर है। अब यहां पे भी अपने वाली ट्रिक लगा दो, 20 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन में क्या करेंगे 20 और क्या आ जाएगा, 1 किसके बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए हमें 1 का पता लग गया 9, तो ये मतलब क्या है, 9 चौके 36 और ये क्या है, 9 पांचे 45। अब ये देखो इसमें कौन सी संख्या पूछी है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आई बात, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। अगर अगर दोबारा बताएं, अगर यहां पे कंफ्यूज होते हो तो साथ में क्या ले लो, तुम्हें एक और तरीका बताता हूं। अगर यहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे होगा, तो इसको ले लो 4x और इसको ले लो 5x, ठीक है। अब बस एक गलती मत करना, गुना करते टाइम एक्स स्क्वायर मत कर देना, ये खाली तुम्हारी सहूलियत के लिए बता रहा हूं, एक्स ले लो ताकि कंफ्यूज नहीं हो, ये ऐसे गुना नहीं है।
चार और पांच की गुना करेंगे क्या हो जाएगा, और 20x किसके बराबर होगा, यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 20 और कितना आ जाएगा, x का मान क्या आ गया भाई 9, यहां पे x की जगह पे 9 रख दो, 9 चौके क्या हो जाएगा, और यहां पे 5 गुना में 9 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का पता लग गया। अभी क्या पूछा है, तो छोटी क्या हो जाएगा, अगर बड़ी पूछता तो क्या हो जाता, अब इसमें तीन चार क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों संख्याओं का जोड़ दोनों संख्याओं की गुना कुछ भी पूछ सकता है, तो ये तरीका लगा देना इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर, एक अभी भूल तो नहीं गए हो ना, बता दो फट से क्या हो जाएगा, बस देखने की जरूरत नहीं है, उठा देना बस। 8, 12 और 15 दिख रहा है सामने, ये उड़ा दिया हमने, 2 से 4, 6 और 15, फिर 2 से कर दिया 2, 3 और 15, फिर 3 से कर दिया 2, 1 और 5, 2 और 2 की गुना 4, 3 12, 12 दुनी 24 और 24 पाचा क्या हो जाएगा 120। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो अभी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम से साइलेंट नहीं होना है, स्टेटमेंट को देखना और आंसर बता देना है कि आंसर क्या हो जाएगा। 2 × 3 × 7 × 9 सारे नंबर दे रखे हैं सामने, क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है अपना, और जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान देना सारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें संख्या का पता होना चाहिए, ये यहां पे एक नंबर है, पता लग गया, ये यहां पे दूसरा नंबर है और ये यहां पे तीसरा नंबर है, ठीक है। पहला नंबर क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी कॉमन आ जाएगा, 7 इसमें है, नहीं है, 9 इसमें है, उसमें भी नहीं है, क्या आंसर बन जाएगा, 2:3, अगर यह भी मिल सकता ऑप्शन में, समझ में आई बात, ऑप्शन में यह मिल गया तो यह हो जाएगा, यह मिल जाएगा तो यह आंसर हो जाएगा, समझ में आई बात। अब यह बताओ अगर इसका एलसीएम पूछते तो, अगर पूछते इसका एलसीएम क्या होगा, डी हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, 2 इसमें है, चाहे सम में हो या ना हो तो भी लेना है, उसके बाद में 3 है, यहां पे 3 लिया जाएगा, 7 है, 7 भी लिया जाएगा, 9 है, ये 9 भी लिया जाएगा, उसके बाद में 2 तो ले लिया, 3 भी ले लिया, 9 ले लिया, 11 बच गया, तो यहां पे 11 लिखा जाएगा, उसके बाद में 4 और 5, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। याद रखना है एचसीएफ में खाली जो कॉमन हो उसको लेना है, और एलसीएम में जितने भी नंबर उन सबको लेना है, ध्यान में रहेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, फिर क्लास को फिनिश करेंगे। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 3 संख्याएं हैं, 2:3:4 के अनुपात में है, अगर उनका एचसीएफ 12 है तो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से स्टेटमेंट को समझो और उसके बाद में आंसर निकालो क्या हो जाएगा। 1 × क्या होगा, कौन से वाला भी लगे तुम लगा के बता दो मेरे को, आंसर बता दो बस, जो फार्मूला लगे तुम्हारा मन करे वही बता दो। अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है यार, तुम तो ऐसे साइलेंट हो गए जैसे बम गिर गया हो क्लास में। अब ये बताइए 2, 3, 4 में एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा क्या, 2, 3, 4 तीनों एक पारे में आएंगे क्या, एचसीएफ क्या होगा, 1 है, और वो किसके बराबर है, 12 के बराबर, x मान लो या 1 मान लो, 12 तो नंबर क्या बन गए, 12 × 24, 12 × 36 और 12 × 4 = 48, इनका क्या बताना है, एलसीएम कर दो। सबसे पहले 2 पे डिवाइड क्या हो जाएगा 12, ये क्या होगा 18, ये क्या होगा, फिर 2 से कर दो क्या हो जाएगा 6, यहां पे और यहां पे 12, फिर 2 से कर दो कितना हो जाएगा 3, 9 और 6, फिर 3 से कर दो 1, 3 और 2, अब 3 और 2 अलग अलग हैं, 2 और 2 की गुना
चार और दो की गुना, आठ और तीन की गुना, चौबीस और तीन की गुना, 72, 72 और टू की गुना क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगी। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कर दोगे सोल्व पक्का? तो चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको बाद में करेंगे, एक पार्ट में और इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? दो पार्ट में हर एक चैप्टर को खत्म करेंगे। आज ये पार्ट वन में हमने इसका बेसिक और नॉर्मल किया है, पार्ट टू में जो थोड़ा सा हार्ड टाइप रहेगा और जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनते हैं, दो पार्ट में उसको पूरे को कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम क्लास, तब तक सबको जय हिंद जय भारत, जय हिंद।